What's up guys, this is Ajay. आज बात करेंगे Moto G5S Plus स्मार्टफोन की पांच ऐसी बातों की जिसकी वजह से आपको ये फोन लेना चाहिए और ऐसे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको ये फोन अवॉइड करना चाहिए। So guys, first thing है इसका कैमरा, पीछे की तरफ दो लेंस दिए हैं, दोनों 13 मेगापिक्सल के लेंस है। अपर्चर साइज F2.0 है मेन लेंस का। सेकंड लेंस आपको बोके इफेक्ट देगा जिसमें पीछे का सब ब्लर हो जाता है। मेन ऑब्जेक्ट आप फोकस में रख के अच्छी इमेजेस ले सकते हैं। इफेक्ट अभी फिलहाल ठीक ठाक आ रहा है। ऑब्वियसली आप बड़े डिवाइसेस जो हैं महंगे आईफोन जैसे, उनके डुअल कैमरा से इसका बोके इफेक्ट नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन एक ओकेश इमेजेस दे देता है। फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स इस प्रोसेस को फर्दर इम्प्रूव करेंगी, ऐसा मोटोरोला ने कहा है। वहीं फ्रंट फेसिंग कैमरा भी अपर्चर F2.0 का है, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ओवरऑल इसमें अच्छा कैमरा दिया है 16,000 के प्राइस पॉइंट पे मोटो ने। आगे बात करें गाइस, मोटो G5S Plus में बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव कर दी है, डिज़ाइन इम्प्रूव कर दिया। जो पहले मोटो G5 Plus में डिज़ाइन था वो भी मेटालिक था, लेकिन यहाँ पे बेहतर रोबस्ट क्वालिटी बना दी है मेटल की। ओवरऑल फ़ोन की लुक्स प्रीमियम है, तो ओवरऑल आपको एक अच्छा फॉर्म फैक्टर, ओवरऑल एक अच्छा फील और प्रीमियमनेस रहेगा जब आप फ़ोन अपने हाथ में रखेंगे। उसके अलावा डिस्प्ले साइज और फुल एच डी डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन सेम रखी गई है। के आगे बात करें तो गाइस 16,000 के प्राइस पॉइंट पे इन्होंने अच्छा स्टोरेज स्पेस का ऑप्शन दिया है, यानी आपको 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज स्पेस मिलता है। और फर्स्ट बूट पे आप जब नया नया फोन फ्रेश खोलेंगे तो आपको अराउंड अबाउट 51 GB फ्री स्टोरेज स्पेस मिलेगा। गाइस इट्स मोर देन इनफ, इट्स गुड स्पेस टू स्टोर ऑल योर फाइल्स एंड डेटा। लेकिन अगर आप फर्दर एक्सपैंड करना चाहते हैं स्टोरेज स्पेस, तो इसमें हाइब्रिड सिम का स्लॉट है, यानी आप एक माइक्रो एसडी कार्ड और एक नैनो सिम कार्ड डाल सकते हैं, या फिर आप दो नैनो सिम कार्ड डाल सकते हैं। उस केस में आप हाइब्रिड कार्ड नहीं डाल पाएंगे, तो आप टोटल स्टोरेज स्पेस 64 GB के बियॉन्ड ले जा सकते हैं। तो गाइस इसका फोर्थ जो गुड एस्पेक्ट है वो इसकी बैटरी। मोटोरोला ने इसमें 3000 mAh बैटरी डाली है, और इसके साथ ही साथ मिलता है टर्बो चार्ज का ऑप्शन। 2 amp पे काफी जल्दी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, यानी आप 15-20 मिनट लगाइए और आपको कुछ घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। उसके बाद गाइस जो फिफ्थ फैक्टर है उसमें मैं दो ऑप्शंस इंक्लूड करना चाहूंगा। फर्स्ट जो है इसकी प्रोसेसिंग पावर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट यूज किया है। एक ट्राइड एंड टेस्टेड चिपसेट है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और इसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, प्रोसेसर हीट भी नहीं होता। काफी सारे डिवाइसेस में इस प्रोसेसर पे टेस्ट कर चुका हूँ, रिव्यू कर चुका हूँ, मैं इस प्रोसेसर से खुश रहा हूँ। और अराउंड अबाउट एंट्री टू पे आपको 65,000-60,000 के करीब करीब आपको स्कोर मिलेगा। सो इट्स अ गुड प्रोसेसर टू गो फॉर इन अ स्मार्टफोन। और सेकेंड जो है अगेन गाइस प्योर एंड्रॉयड नोकट मिल रहा है। फ्यूचर अपडेट्स होपफुली जल्दी आएंगी, मोटोफोन्स में काफ़ी जल्दी अपडेट्स आती हैं, ट्रेंड रहा है। तो गाइज ये थे 5 गुड फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप 16,000 के प्राइस पॉइंट पे मोटो G5S Plus ले सकते हैं। उसके बाद गाइस एक बात है कंसिडर करने की, क्योंकि आप ध्यान रखिए मोटोरोला, अब ये मोटोरोला भी नहीं है, मोटो है जो कि लेनोवो की कंपनी है। बॉक्स में भी साफ साफ लेनोवो का आपको स्टिकर दिखेगा। तो गाइस ये बात ध्यान रखिए कि डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ऑल्दो इनका डिफरेंट है, लेकिन असेंशली मोटो अब एक लेनोवो का ही ब्रांड है। उसके बाद बात करें गाइस कॉम्पिटिशन की, तो इस फोन के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स, J7 Max, जो कि एक बेटर रियर कैमरा प्रोवाइड करते हैं। उनका पर्चेस साइज F1.7 है, तो उस मामले में कैमरा बेटर है। अगेन गाइस मोटो G5 Plus का भी कैमरा रियर इस फोन से स्लाइटली बेटर है, उसका पर्चेस साइज बड़ा है F1.7। इन्होंने डुअल कैमरा के चक्कर में पर्चेस साइज थोड़ा रिड्यूस कर दिया। और लेनोवो K8 नोट, रेडमी नोट 4 ये फोन्स भी काफ़ी टक्कर देने वाले हैं। सो गाइस इन सब डिवाइसेस का कंपैरिजन, एक ऑथेंटिक ओपिनियन कि इनमें से आपको जो भी कंफ्यूजन है, आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, वो सब मैं जल्दी लाने वाला हूँ। वो सारे के सारे वीडियोस गाइस आप मिस ना कर दें, प्लीज़ मुझसे कनेक्ट हो जाइए, यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज अजय ओवर एंड आउट, हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर।